हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आपके लिए लेकर के आए हैं आपका अपना दैनिक राशिफल, जिसकी चर्चा अभी हम आपसे करने वाले हैं। और उससे पहले आपको बताएंगे कि पंचांग की क्या स्थिति रहेगी, उससे भी आपको अवगत कराएंगे। और बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल, ये दोनों ही दिनांक 7 दिसंबर सन 2022 दिन बुधवार संवत 2079 का है। हिंदी का महीना चल रहा है मार्गशीर्ष और पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज भी चतुर्दशी, कल भी 6 तारीख को भी चतुर्दशी थी, आज 7 दिसंबर को भी चतुर्दशी, क्योंकि तिथि इस बार बढ़ रही है। नक्षत्र रहेगा कृतिका, योग होगा सिद्ध, करण होगा वणिज और राशि होगी वृषभ, और चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में ही संचार करते रहेंगे। राहु काल की समय अवधि इस प्रकार से है, दोपहर 12:18 से लेकर दोपहर 1:39 तक। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है आज, वह इस प्रकार है, प्रातः 11:54 से लेकर के दोपहर 12:42 तक। और इसके अतिरिक्त श्री दत्तात्रेय जयंती है साथियों, और भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी जी का व्रत, श्री त्रिपुर भैरव जयंती भी आज है। तो ये थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब आपके साथ हमारी बात होगी आपके दैनिक राशिफल के विषय में, और बताना चाहते हैं कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है, पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उस पर आधारित है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि एरीज साइन। तो प्रिय साथियों, दिन के आरंभ में नए कार्य की शुरुआत को लेकर आप काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे, और शरीर और मन की स्वस्थता भी आपके उत्साह को कई गुना बढ़ाएगी। जो आपके घनिष्ठ मित्र हैं उनके साथ भी किसी समारोह आदि में जाकर के उसका आप आनंद ले सकते हैं, उस समारोह का। और दोपहर के बाद किसी भी कारण से आपका स्वास्थ्य थोड़ा नरम रह सकता है। बाहर का खाना पीना अगर ना खाएं तो अच्छा है, उससे बचें। धन संबंधी विषयों पर लेन देन को लेकर के भी थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। मन को प्रसन्न करने का प्रयास करें और नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल ना अपने दिमाग में आने दें, वरना अगर ये नेगेटिव थॉट्स को आपने जगह दी अपने दिमाग में तो इससे आपकी परेशानियां आप अपने लिए बढ़ा लेंगे। उपाय आप कर सकते हैं, माँ आपकी जो दादी माँ है, ग्रैंड मदर, या उनके समकक्ष कोई महिला है बुजुर्ग, ऐसी किसी भी बुजुर्ग महिला की सेवा करने से आपके प्रेम संबंधों में मजबूती होगी। शुभ रंग आपके लिए है सफेद, शुभ अंक आपके लिए आज 1। वृषभ राशि यानी टॉरस साइन, आज आप किसी बात की दुविधा में रह सकते हैं साथियों। कार्य पूरा ना होने से भी थोड़ा सा एक तरीके से असंतुष्टि आपके अंदर रहेगी। सर्दी, खांसी, कोल्ड कफ, फीवर, ये इस तरीके की समस्याओं से आप परेशान रह सकते हैं आज के दिन। और धार्मिक कार्यों के पीछे भी आपका कुछ धन का व्यय हो सकता है। जो आपके अपने स्वजन हैं उनसे भी थोड़ा सा आज किसी ना किसी कारणवश आपका वियोग हो सकता है, उनसे आपकी दूरी हो सकती है, परंतु दोपहर बाद कुछ अनुकूलता जरूर बनेगी आपके लिए, और काम करने से उत्साह में भी आपकी वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ की भी पूरी संभावना है, और मित्र जो हैं आपके या फिर आपके जो संबंधी हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे भी मिलना आपका होगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, परिवार में आनंद का वातावरण बना रहेगा। उपाय आप कर सकते हैं, प्रेमी या प्रेमिका को लाल या नारंगी कोई भी रंग की वस्तु अगर आप गिफ्ट में देते हैं तो ऐसा होने से या ऐसा करने पर आपकी जो लव लाइफ है वो बेहतर होगी, बढ़िया होगी, मजबूत होगी। शुभ रंग आपके लिए है काला और शुभ अंक आपके लिए आज 8। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन, प्रिय साथियों, आज आपके मित्रों से आपको लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा। नए मित्र आपके और बन सकते हैं, उनमें इजाफा होगा, जो कि भविष्य में भी आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं।
अपेक्षा से अधिक धन लाभ होने की संभावना बन रही है आज, जितना आशा करेंगे उससे कहीं अधिक। और यात्रा या पर्यटन का आयोजन भी हो सकता है, कुछ ऐसी प्लानिंग हो सकती है कि आप प्लान करके यात्रा पे जाएं या किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाएं। सरकारी कार्य आसानी से आपके पूरे हो पाएंगे आज, यानी कि कोई भी ऐसा गवर्नमेंट ऑफिस से रिलेटेड कार्य जो आपको करना है या करना चाहते हैं वो आज के दिन आप कर सकते हैं, वो आपका पूरा होगा आसानी के साथ। दोपहर बाद कुछ सावधानी पूर्वक अगर आप समय गुजारते हैं तो ये आपके हित में होगा। धर्म कर्म करने में थोड़ी सी आपकी अरुचि रह सकती है, यानी कि इंटरेस्ट नहीं होगा। इस समय किसी के झगड़े में आप ना पड़े तो ज्यादा बेहतर है। और धन से जुड़े लेन देन भी अगर नहीं करते हैं आज के दिन तो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उपाय आप करें, सोते समय एक तांबे के पात्र में जल भर करके रख करके और अगली सुबह किसी भी घर के आसपास कोई भी पेड़ है तो उसकी जड़ में वो जल आप डाल दीजिए। ऐसा करने पर आपकी सेहत अच्छी रहेगी। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, शुभ अंक आपके लिए आज 7। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन। साथियों, आज आपका व्यवहार लोगों के साथ बहुत अच्छा रहने वाला है और नए कार्य करने की भी प्रेरणा आपको मिलने वाली है। और शुरुआत में आपको कुछ ऐसा महसूस होगा, लगेगा कि जैसे आपके प्रयास कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। स्वास्थ्य भी थोड़ा सा डाउन रहेगा, कमजोर रहेगा, क्रोध की मात्रा भी थोड़ी अधिक रहेगी। परंतु दोपहर बाद शारीरिक ताजगी से मन आपका प्रसन्न रहेगा। कार्यों में भी आपका जो है मन लगेगा। व्यापार करने वाले और नौकरी पेशा लोग किसी स्पेशल विशेष मीटिंग में व्यस्त रहने का संकेत मिल रहा है अपने ग्रहों के आधार पर, कि आप कहीं बिजी रह सकते हैं किसी मीटिंग में या किसी के साथ मीटिंग में। उपाय आप करें, बड़ी स्त्रियां जो हैं, जैसे माता हुई आपकी, दादी माँ हुई, नानी माँ हुई या कोई और इनके समरूप या समकक्ष कोई बुजुर्ग महिला हो तो आप उनका जरूर आशीर्वाद लें, उनकी सेवा जरूर करें। अगर आपने ऐसा किया आज के दिन तो स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। उनका आशीर्वाद मिलने से स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा और शुभ अंक आपके लिए आज 2। सिंह राशि यानी कि लियो साइन। तो साथियों, आज दिन की शुरुआत में आप शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा अनहेल्दी और वरीड रह सकते हैं, चिंतित रह सकते हैं, थोड़ा हेल्थ आपकी कुछ कमजोर रह सकती है हेल्थ के हिसाब से। किसी बात को लेकर आपको गुस्सा, क्रोध इस प्रकार भी आपको आ सकता है, आवेश में रह सकते हैं आप, आक्रोश में आपकी वृद्धि हो सकती है। दोपहर बाद स्थिति में थोड़ा सुधार दिख रहा है। परिवार में भी आनंद का वातावरण आपको बना रहेगा आपके लिए। और नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके अपने उच्चाधिकारियों के साथ किसी विशेष विषय पर आपकी डिस्कशन हो सकती है। व्यापार में कुछ बड़ा प्लान आप करेंगे अगर व्यापार करते हैं तो, और परिजनों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर भी आपका विचार विमर्श रहेगा। उपाय आप करें, प्रेमी या प्रेमिका को काले एवं सफेद गुलाब गिफ्ट करने पर प्रेम संबंध बेहतर होंगे। शुभ रंग आपके लिए बनता है आज नारंगी और शुभ अंक आपके लिए है आज 5। कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन। आज नए कार्य या यात्राएं आप ना करें तो आपके लिए अच्छा है। साथियों, आध्यात्मिक क्षेत्र में आज सिद्धि प्राप्ति होने का यूं तो योग बना हुआ है। अगर आप इस दिशा में कुछ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा योग है। और स्वास्थ्य में शिथिलता का अनुभव जरूर करेंगे, स्वास्थ्य थोड़ा नरम रहेगा, क्रोध की मात्रा कुछ अधिक रहेगी। इससे आपका जो काम है बिगड़े ना, इसका ध्यान रखें, क्योंकि इन कारणों से आपके बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। तो आप थोड़ा समझदारी से और थोड़ा धैर्य के साथ कार्य लें और करें। व्यापार में पार्टनर के साथ बहसबाजी से भी आपको बचना चाहिए, अन्यथा वहां भी टेंशन बन सकती है आपके और उनके बीच में। धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित होने की आपकी इच्छा रहेगी, रुचि रहेगी और आप होंगे भी। उपाय आप करें, रात को सिर्फ और सिर्फ ओम
इस मंत्र का 28 बार उच्चारण आप धीरे धीरे मन ही मन शांत स्वभाव के साथ करिएगा। पारिवारिक सुखों में होगी आपकी वृद्धि। शुभ रंग आपके लिए है नीला। शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 6। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन, आज दिन की शुरुआत बहुत मौज मस्ती के साथ करने वाले हैं आप। अपनी मन में किसी बात को लेकर थोड़ा जरूर थोड़ी बहुत चिंता रहेगी और आर्थिक लाभ के लिए किसी मीटिंग में भी आप जा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं उस मीटिंग में। और यात्रा की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता आज के दिन। दोपहर बाद आप अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिएगा, अन्यथा आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है और गुप्त शत्रुओं से भी आपको रहना होगा आज के दिन सावधान। नए कार्य की शुरुआत आज ना करें तो यह भी आपके लिए हितकर रहेगा, अच्छा रहेगा। उपाय आप करें, कढ़ी चावल गरीबों को खिलाएं बना करके और खुद भी जरूर खाएं। ऐसा करने पर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी साथियों। शुभ रंग आपके लिए है आज सुनहरा और शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 2। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन, आज के दिन किसी खास बौद्धिक कार्य में आप बिजी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। लोगों के साथ आज आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहने वाला है और छोटी मोटी यात्रा की संभावना बन रही है और धन संबंधित कोई आयोजन के लिए समय बहुत शुभ है। यानी कि धन से संबंधित किसी भी तरीके का कोई ऐसा कुछ कार्य करना चाहते हैं उसके लिए आज का दिन आपके लिए काफी शुभ है, जिसमें आपको अच्छी अर्निंग होने के चांसेस बन रहे हैं। दोपहर बाद मित्र अपने जो हैं आपके या संबंधियों के साथ यात्रा पर भी आप जा सकते हैं और उसका भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। बाहर खाने पीने का भी आप पूरा मजा लेंगे, आनंद लेंगे। और आज अपने गुस्से को नियंत्रण में जरूर रखिए वरना आपके लिए टेंशन बन सकती है। परिवार के साथ दिन अच्छा व्यतीत होने वाला है आपका। उपाय आप करें, सुबह उठने के साथ ही द्वादश ज्योतिर्लिंगों के नामों का उच्चारण आप करिए। आपके रोजगार व्यापार में आपको इससे लाभ होगा, सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी और शुभ अंक आपके लिए है आज 3। धनुराशि यानी कि सेजिटेरियस साइन, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आज आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए प्रिय साथियों। और अधिक मेहनत के बाद भी कार्यों में सफलता उतनी नहीं मिल पाएगी जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपेक्षा रखते हैं, उससे कम मिलेगी आज के दिन। इससे निराशा के भाव थोड़ा आपके अंदर पैदा हो सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं और आज यात्रा को टालना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा अगर कोई यात्रा करने की प्लानिंग रखते हैं तो। दोपहर बाद समय आपके अनुकूल होने का पूरा आपको एहसास होगा कि अब समय आपके अनुकूल हो रहा है और शरीर में ताजगी का भी संचार आपकी होगा। आर्थिक लाभ की पूरी पूरी संभावना बन रही है और व्यापार के लिए भी आप अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत ही सफलतापूर्वक उनके साथ आपकी मीटिंग रहेगी और ये मीटिंग के कुछ अच्छे आउटपुट्स भी आपको निकल करके आएंगे। उपाय आप करें, घर में लाल गुलाब के पौधे लगा करके उनकी देखरेख करने पर पारिवारिक खुशियों में होगी वृद्धि। शुभ रंग आपके लिए बनता है आज केसरी और शुभ अंक आपके लिए है आज 4। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन साइन, आज आप कुछ अधिक संवेदनशील रहेंगे प्रिय साथियों और आपकी भावना को भी आज किसी ना किसी रूप में ठेस पहुंच सकती है। वाहन चलाते समय आपको बहुत सतर्क रहना है, बहुत सावधानी से वाहन चलाना है वरना किसी दुर्घटना का शिकार आप हो सकते हैं। किसी निराशाजनक विचार और कार्यों से यानी कि कुछ भी ऐसे कार्य या कोई भी विचार जो नकारात्मक हैं या निराशाजनक हैं जिनका कोई करने से उनको अच्छा कोई रिजल्ट मिलने की उम्मीद ना हो तो ऐसी चीजों से तो दूर ही रहें। और किसी भी कार्य को करने से पहले सोच समझ करके निर्णय लें, जल्दबाजी में शीघ्रतापूर्वक निर्णय ना लें, यह आपके हक में अच्छा रहेगा। और अपने जो परिजन हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, उनके साथ थोड़ा सा किसी बात को लेकर के हो सकता है मनमुटाव, बातचीत में ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है कि जो बात आप कर रहे हैं वो सामने वाले को किसी तरीके से परेशान तो नहीं कर रही है। कार्यों की सफलता के लिए आज आपको प्रयास अगर आप करेंगे तो उसमें सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। उपाय आप कर सकते हैं, पारिवारिक जीवन की खुशियों के लिए दूध मिश्री
और सफेद गुलाब के पुष्प किसी भी धार्मिक स्थान में आप जाकर के चढ़ा सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए केसरी, शुभ अंक आपके लिए अच्छे। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन, तो साथियों आवश्यक कार्यों का निर्णय आज ना लें, इसका ध्यान रखिए। नए कार्यों की शुरुआत के लिए समय अभी इंतजार करने का है। दोपहर बाद किसी बात को लेकर चिंता हो सकती है आपको। स्थायी संपत्ति को लेकर किए जा रहे प्रयासों में भी आज सफलता मिलने के योग नहीं है। विद्यार्थियों के लिए दिन मध्यम रहेगा और माता के स्वास्थ्य के विषय में थोड़ी सी चिंता आपको बन सकती है। उपाय आप कर सकते हैं, काले रंग के कपड़ों का अधिक प्रयोग करें अपने पहनने में। ऐसा करने पर प्रेम संबंधों में आपके आएगी मजबूती। शुभ रंग आपके लिए बनता है स्लेटी और शुभ अंक आपके लिए है अच्छे। मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन, प्रिय साथियों आज आपके जो धन का खर्च है वो कुछ अधिक मात्रा में हो सकता है आपके द्वारा, जिसके कारण आपकी चिंता बढ़ सकती है और किसी के साथ मनमुटाव या तनाव पैदा हो सकता है। तो किसी भी आर्गुमेंट से बचें, किसी के साथ बहस में ना पड़े, इन बातों का ध्यान रखिए। हो सके तो शांत रहें, चुप रहें, कम बोलें। आज आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना ही चाहिए। आर्थिक विषय को लेकर के थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है आज के दिन। व्यापार के क्षेत्र में आपको कड़ी प्रतियोगिताओं का भी सामना करना पड़ सकता है, कंपटीशन मतलब हो सकता है आपको कोई दूसरी पार्टी आपको कंपीट करे, अच्छा कंपटीशन दे। मन में किसी बात को लेकर आपके दुविधा जरूर बन सकती है। उपाय आप कीजिए, गंगा जल का सेवन करें, ऐसा करने पर हेल्थ आपका अच्छा रहेगा और उसके लिए ये उपाय शुभ रहेगा। शुभ रंग आपके लिए है आज पीला और शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 4। तो मेरे प्रिय साथियों ये था आप 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 7 दिसंबर सन 2022 दिन बुधवार संवत 2079 का। और हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका किस प्रकार से व्यतीत हो सकता है। लेकिन मेरे प्रिय साथियों अब समय आ गया है, समय की मांग है कि अब हम अपनी वाणी को विराम दें यहाँ पर और अपने आप सभी प्रिय श्रोतागणों से भी लें इजाजत। तो मेरे प्रिय साथियों इसी के साथ आपका सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।